हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। माय नेम इज मलिका सेठी, यू आर वाचिंग मी ऑन क्लास अपार्ट अन अकेडमी चैनल ऑन यूट्यूब। तो हमने आज क्या करना है, 10th क्लास की बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले, आप मुझे अन अकेडमी के चैनल पे देख रहे हैं, तो मैं आपको अन अकेडमी के थोड़े से जो भी एडवांस हमारे पास एडवांटेज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, एक यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो। बट अगर आप अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करती हैं, इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हैं वो। जैसे कि आप देखो, हर कोई अपने पर्सनल ट्यूटर से पढ़ना चाहता है, तो वैसे ही आपको अपना कोई भी टॉप एजुकेटर आप अपने पर्सनल ट्यूटर की तरह उनसे पढ़ सकते हैं। आपको इजीली नोट्स अवेलेबल होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, कोई क्विज कॉम्पिटिशंस होंगे, उसमें बैचेस लगते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। तो उसके बाद आपसे क्या होगा, सब्सक्रिप्शन का पूछेंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे हम फीस पे करते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप मेरा ये कोड यूज कर सकती हैं, MASE, उससे आपको इमीडिएटली 10% ऑफ मिलेगा। लाइक देखो, अगर आप 3 मंथ का, यहाँ पे सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। मैं आपको जैसे 3 मंथ का बताती हूँ कि 7500 रुपीज अगर आप पे कर रहे हैं। बट अगर आप प्रोसीड टू पे करेंगे और मेरा रेफिल कोड यूज करती हैं MASE, तो आपको 10% इमीडिएटली ऑफ मिलेगा। आपको 7500 की जगह पे 6750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। फायदा ही फायदा है, अपना पर्सनल ट्यूटर भी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ हेडेक हमारी होगी, हम लोगों की होगी, ट्यूटर्स की कोई नहीं होगी, उन्हें जस्ट पढ़ना ही होगा बस। और देखो, और ये भी फायदा है डाउट्स का आपको। देखो, अब लाइक आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपका कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे अगर डाउट है, आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप एक फेस टू फेस या कन्वर्सेशन के थ्रू भी डाउट्स पूछ सकते हैं, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। नहीं तो डाउट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप क्या करेंगे, जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर क्लिक करो, आप उसका सब्जेक्ट मेंशन कर दो कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद अपने डाउट को बता दो कि मेरा ये डाउट है। आपको वीडियो के साथ जो एजुकेटर्स हैं वो डाउट का सोल्यूशन देंगे और इजी वे में समझाएंगे। तो आपको सब फायदे ही फायदे हैं। अगर लर्निंग ऐप नहीं है तो उसमें आप स्पेशल क्लासेस भी लगा सकते हैं, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप अपनी मर्जी से किसी ट्यूटर से पढ़ सकते हैं, और ये सब आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। टेस्ट सीरीज होगा, कंफर्ट जोन, ऑब्वियसली आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे अपने सोफा पे बैठ के पढ़ लो, चाहे अपने बेड पे बैठ के पढ़ लो, जहां आप बैठ के कंफर्टेबल पढ़ना चाहते हैं वहां पढ़ सकते हैं। ये सब फीचर्स हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपको PDF के नोट्स मिलेंगे, मीन्स सारी की सारी हेडेक जो है वो एजुकेटर्स की रहेगी। लर्नर्स को सिर्फ पढ़ना है और अपना पे करना है, दो काम करने हैं। तो अगर नहीं है तो डाउनलोड कर ले, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे, और स्टूडेंट्स हैं तो लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मैंने रेस्पिरेटरी करा दिया था, शायद मैंने स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन बोल दिया था, आई थिंक तो वो चल रहा है, तो मिस हो गया होगा कि हमने क्या करना है, न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन नहीं, हम रेस्पिरेशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अदर एनिमल्स में करा दिया था, लाइक फ्रॉग में, और ये अपने फिश में, और क्या था, एक और एनिमल के बारे में हमने किया था, 3 एनिमल्स का हमने कर लिया था। बट जो मेन है वो हमने क्या करना है, ह्यूमन बींग्स का करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, और हमें अपने बारे में नॉलेज होगी कि हम लोग जो सारा दिन सांस लेते हैं उसका यूज कैसे होता है, वो कैसे हमारी बॉडी में जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस ब्रीथ। क्या है, ऑर्गन्स है, टिश्यू है, जो कि हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, कौन से हैं, कहां से सांस लेते हो आप, ब्रीथ कहां से करते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट, मुंह से भी करते हैं, बट मुंह से अच्छा नहीं होता है, मुंह से जम्स आते हैं हमारी बॉडी में,
वो कभी आपका नाक बंद हो तो आप मुंह से कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा मेन ऑर्गन है जहां से हम सांस लेते हैं ये हमारा है नोज, ठीक है। और नोज से पहले ही आपको टू होल्स दिख रहे होंगे, मेरे नहीं देखने, आप अपने देख लो, टू होल्स हैं, दीज आर नोस्ट्रिल्स, ठीक है। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हम वन बाय वन रीड करते हैं, फिर हम उसका काम करेंगे कि नोज का क्या काम है, नोस्ट्रिल्स का क्या काम है, ये सबका काम क्या है। फर्स्ट है हमारे पास नोज, सेकेंड है नेजल पासेस, नेजल पासेस इज नोस्ट्रिल्स, वी कैन ऑल्सो कॉल एज नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स, डायाफ्राम, ब्रोंची का अदर पार्ट्स भी होता है ब्रोंचियोल्स, आपको जो मेन पार्ट लर्न करने हैं वो ये सारे, ठीक है। आपको अभी नाम याद करने से पहले आप डायग्राम में देखो, आपको डायग्राम देख के जो है ना वो इजीली लर्न हो जाएगा। ये हमारा नाक होता है, नोज का हम सबको पता है कि नोज है, जो ये जो टू होल्स हैं जहां से हम सांस लेते हैं वो क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो टू होल्स हैं उसे हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। आपको डायग्राम से लर्न करना है, अपनी बॉडी को अपने माइंड में रख के लर्न करना है, या सामने अपने किसी को भी बिठा दो उसको देखे कि ये नाक है फिर नोस्ट्रिल्स है। नोस्ट्रिल्स के बाद देखो यहाँ पे एक क्या है, फायरनेक्स, ये याद रखने फायरनेक्स है और ये हमारे गले के अंदर होता है लायरनेक्स, टू पार्ट होती है, ये चीज हमें दिखाई नहीं देती, ये हमें याद ही करनी है। और देखो अभी कोई भी चीज लाइक आप इमेजिन करो कि नाक है, यहां से हम सांस ले रहे हैं, या कोई पानी की पाइप है, तो वो पानी पाइप में से जाएगा ना, वैसे ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो हमारे पीछे कोई ना कोई गले के अंदर पाइप तो है, वहीं से ही ऑक्सीजन जा रही है, तो उसे बोलती है विंड पाइप, कि हमारी जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे नोज से कहां जा रही है, विंड पाइप में जा रही है। तो ट्रैकिया बोलती है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो विंड पाइप, क्या है, विंड पाइप। अब देखो ट्रैकिया इसके अंदर दे रखे, व्हाट इज ट्रैकिया। अब देखो कोई भी पाइप है, सपोज आप ऐसे प्लास्टिक की कोई पाइप का एग्जांपल, वो ऐसे क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है, बंद हो जाती है, कोलैप्स हो सकती है, उसमें से अगर हवा निकल जाए तो, कभी ऐसे करना ऊपर से उसमें से सारी हवा निकाल के देखना, या फिर स्ट्रो की बात कर लो, स्ट्रो क्या होगा, ऐसे क्या हो जाती है, पिचक जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो जो विंड पाइप है वो हमारी कोलैप्स ना हो, बंद ना हो, इसलिए उसके अंदर बोनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज होते हैं, देखो रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, या बोनी लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। तो आपको रेस्पिरेशन करने से पहले, रेस्पिरेटरी सिस्टम करने से पहले ये सब नेम लर्न होने चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो। अगर एक बार आपको नाम याद हो गए ना तो आप दो मिनट के अंदर बता दोगे सारा का सारा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। देखो फिर विंड पाइप है, अब विंड पाइप किसी ना किसी के साथ तो कनेक्टेड होगी, कहीं ना कहीं तो ये हमारी एयर जा रही है, तो कहां जा रही है, ये जो विंड पाइप है फर्दर टू पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, ये जो हमारा पार्ट है वो सारा क्या है, लंग्स है, क्या है, ये हमारा लंग है, ये वाला राइट लंग है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर ऐसा क्या है, हम लंग्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, लंग ये देखो ये क्या है, लंग्स हैं, ये यहाँ पे गए, ये यहाँ पे, लाइक एक ट्री की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ट्री कैसे होता है, ये इसकी मेन ब्रांच होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, फर्दर इस टाइप से ब्रांचेस होती है, ठीक है। देन क्या होता है, ब्रांच की फर्दर सब ब्रांच होती है, उसके ऊपर छोटी 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 क्या होती है, लीव्स होती है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हमारे पास क्या है, ऐसे ऐसे करके लीव्स होती हैं, आपने देखा ही है प्लांट, तो हमारे पास क्या है, प्लांट्स की क्या होती है, इस टाइप से लीव्स होती हैं। अब उसी तरह से ही लंग्स का काम है, ये हमारा लंग्स है जो फर्दर किस में डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंची, ठीक है, ब्रोंची बोलते हैं, ब्रांच से ब्रोंची लर्न कर सकते हो कि ब्रांच होती है ट्रीज की, वैसे इसकी ब्रोंची होती है। फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं लाइक दिस की इनके सब ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस जो फर्दर, ये जो आपको सारी की सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, दीज आर ब्रोंचियोल्स, क्या है ये, ब्रोंचियोल्स हैं, आपको नेम लर्न करना है बस, ब्रोंचियोल्स हैं, यहाँ पे भी सेम नेम, यहाँ भी सेम नेम। अब देखो हम प्लांट की इस पत्तियों को क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं, इसके अंदर क्या है, ये जो इस टाइप से है ना, छोटे 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 इस टाइप के, जैसे हम वहां पे लीव्स की बात कर रहे हैं, ये एयर सैक है, क्या है,
एयर सैक बोलते हैं। तीन चीजें आपके लिए नई है जो आपको लर्न करनी है, ब्रोंची, ब्रोंची ब्रांच हो गई, सब ब्रांचेस ब्रोंचियोल्स हो गई। ब्रोंचियोल्स के ऊपर छोटे छोटे लीव्स हैं जो कि क्या है, एयर लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर। मीन्स आप लंग्स को अपने माइंड में किसी भी एक ट्री को, किसी भी एक ब्रांच को आप रख सकते हैं, तब आप जाकर आपको लंग्स की ये याद हो सकती है कि ये क्या चीज है। तो एयर सैक है, देखो एयर सैक क्या है, बैलून टाइप स्ट्रक्चर है। बैलून हम पता है, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, जो एयर सैक है वो क्या हो जाएगा, हवा उसके अंदर भर जाएगी पूरी की पूरी। एयर सैक, ये जो एयर सैक है ये वाला, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फिल हो जाएगी। जब इसके अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाएगी तो इसमें देखो आपके यहाँ पे चारों तरफ क्या है, ये सारा क्या है आपके पास, ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड का जो मेन कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है, उसको अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लाइक मैग्नेट और आयरन होती है। तो क्या करता है वो, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन एयर सैक के अंदर आई है, वो ऑक्सीजन सारी की सारी कहां चली जाएगी, हीमोग्लोबिन के पास, मीन्स वो ब्लड में चली जाएगी, ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको और इजीली वे में बताती हूँ कि कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम लर्न करनी है। नोज, हमने क्या किया, नोस्ट्रिल्स, नोज से हमने ऑक्सीजन ली। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पे गई, नेजल पासेस में, मींस हमारी पाइप में चलेगी, नेजल पासेस से गई, नोज से नेजल पासेस से ऑक्सीजन गई है, ट्रैकिया में चली गई। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप ऑल्सो, विंड पाइप में गई, विंड पाइप से कहाँ पे चलेगी, ब्रोंचिस में। ये ब्रोंचिस, ये लंग्स मत लिखो, ब्रोंचिस में चली गई। ब्रोंचिस के बाद जो है वो कहां पे गई, ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स में क्या है, एयर सैक है। एयर सैक इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ही ऑक्सीजन इनके पास पहुंची ये क्या हो गए, ब्लो हो गए, फुल गए। और एयर सैक जो है ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं लंग्स को। मींस जैसे कि इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह पर हम छोटे 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 कुछ भी, लाइक थर्माकोल की सीट होती है, जैसे छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उसको हम कितनी सारी बॉल्स रख सकते हैं, वैसे ही ब्रोंचियोल्स जो है वो छोटे छोटे एयर सैक हैं। वो एयर सैक में जब क्या होता है, ऑक्सीजन फील होती है तो वो फूल जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, जो उसके आसपास जितने भी ब्लड वेसल्स हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे सारे के सारे ब्लड वेसल्स के पास क्या हो जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है जो कि स्टमक और लंग्स दोनों को डिफरेंट कर रहा है, दिस इज डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या इफेक्ट होता है, डायाफ्राम का ये इफेक्ट होता है, आप अपने यहाँ पे देखना, आपको ऐसे कुछ नाड़ी सी दिखाई देगी। अगर आप क्या करते हो, सांस ऐसे ऊपर लेते हो तो अंदर की तरफ चला जाएगा डायाफ्राम, सांस छोड़ते हो तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा, वैसे वो ऐसे हो जाएगा जब आप सांस लेंगे, तो वो ऐसे हो जाएगा जब आप एक्सहेल करेंगे। तो डायाफ्राम की स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम जो सिर्फ करने वाले हैं वो यही कि हमें रेस्पिरेशन के कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे कैसे वो बॉडी के अंदर जो है हमारी ऑक्सीजन जाती है। तो बहुत ईजी है, अब देखो हमें करना क्या है, हमें बहुत ईजिली वे में लर्न करना है कि नोज है, नोस्ट्रिल्स है, नेजल पासिस है, नेजल पासिस के बाद क्या, ट्रैकिया हमने किया, ट्रैकिया के बाद क्या आ रहा है, लंग्स आ रहे हैं, लंग्स की जो टू पार्ट है, लंग्स के अंदर जो टू पार्ट्स जा रहे हैं विंड पाइप की, वो ब्रोंचिस है, ब्रोंचिस फर्दर ब्रोंचियोल्स में हो रही है, ब्रोंचियोल्स पे स्मॉल एयर सैक है, एयर सैक के अंदर ऑक्सीजन जाती है। क्या किया, नाक से सांस ले लिया, ऑक्सीजन गई, नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, किस लिए होते हैं, ताकि जो एनवायरमेंट के अंदर डस्ट वगैरह प्रेजेंट है वो वहीं पे ही रहे। ठीक है, वो स्कम के रूप में बाहर आ जाती है, गंदगी निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो नेजल पासे से यहां से जाती हुई लंग्स में पहुंच जाती है, लंग्स में ब्रोंचिस है, ब्रोंचियोल्स है, ऑक्सीजन ने एयर सैक तक जाना है, बाकी आपको नेम लर्न करने हैं सारे। ठीक है, तो देखो हम थियोरेटिकल भी देख लेते हैं, व्हाट इज नोस्ट्रिल्स, देयर आर टू नोस्ट्रिल्स व्हिच कन्वर्ट्स टू फॉर्म ए नेजल पासेस, द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स इज लाइन बाय हेयर एंड म्यूकस, मुकस इज द डस्ट पार्टिकल लाइक हेयर्स हैं,
और बाहर कोई भी डस्ट वगैरह है तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन को क्लीन करके भेजेगा और जो अंदर जो मुकस रहेगा वो हमारे नोज से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. द मुकस आर द हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर. तो ये आपको, अगर आपको देखो सब ब्लर्न है तो आपको ये सब चीजें जल्दी समझ आ जाएंगे. तो नोस्ट्रिल्स के बारे में लिख देंगे. नेक्स्ट हमने लिखना है कि व्हाट इज फायरनेक्स. इट इज ए ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द पासेस, नेजल पासेस. ठीक है. नेक्स्ट है लायनेक्स. द पार्ट कम्स आफ्टर द फायरनेक्स, दिस इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. हमारा इसकी वजह से ही आवाज आती है. इसका कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, बट ये लायनेक्स और फायरनेक्स टू डिफरेंट पार्ट है, तो जो आपको याद करने हैं. ट्रैकिया, विंड पाइप. ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन कार्टिलेज. मैंने बोला आपको कि विंड पाइप है, विंड पाइप के अंदर जब एयर नहीं होगी तो वो कोलैप्स ना हो, वो बंद ना हो, उसके लिए उसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट रिंग्स है, रिंग्स बोनी लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. ठीक है. तो विंड पाइप के अंदर कार्टिलेज होती है. ब्रोंचीज क्या है? ए पेयर ऑफ ब्रोंची कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया, मतलब विंड पाइप के फर्दर टू पार्ट्स हो रही हैं, विद वन ब्रोंचीज गोइंग टू ईच लंग. टू लंग्स हैं, टू लंग्स के अंदर ऐसे टू पार्ट जा रहे हैं, तो दीज आर ब्रोंचीज. ब्रोंचियोल्स क्या है? ए ब्रोंचीज डिवाइडेड इंटू ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज इन साइड द लंग्स. मैंने बोला कि आपको ब्रांच से याद करना है ब्रोंची. ब्रोंची से अगर सब ब्रांचेस हैं तो ब्रोंचियोल्स हैं. वही बता रखे कि इसके सब ब्रांचेस हैं. एलोवेली क्या है? एलोवेली हमने नहीं किया. एलोवेली इज एयर सैक. मैं उसको एयर सैक बोलूं बट दीज आर नोन एज एलोवेली. द स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल्स हैव टीनी एयर सैक एट देयर एंड्स, दीज आर कॉल्ड एलोवेली. द वॉल ऑफ द एलोवेली इज कंपोज्ड टू अ वेरी थिन मेम्ब्रेन and is the place where blood capillaries open. There is alveolus where the oxygen mix with the blood and carbon dioxide exists from the blood. The exchange of gases in alveoli take place. Alveoli is this ki humne kya kya bronchioles hai hamare paas. Bronchioles ke baad these are bronchioles. To ye jo chote chote hum is chote se spot ko hum bol rahe hain air sac, but these are all known as alveoli. Theek hai. To aapko ek word aur yaad karna hai alveoli. उसके बाद हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि इसी पे बेस्ड है. ये आपको सपोज हो गया होगा. अगर आपको नहीं हुआ है क्लियर तो मैं आपको वन टाइम और कराने वाली हूँ, क्योंकि हम अभी इसमें नेक्स्ट जो डायफ्राम वगैरह करेंगे उसमें इससे भी अच्छे से करेंगे. मीन्स ये आपका काम क्या था, सिर्फ आपको ओरल करना है. व्हाट इज नोज, व्हाट इज नोस्ट्रिल्स, व्हाट इज नेजल पैसेज, व्हाट इज ब्रॉन्चिस, व्हाट इज ब्रॉन्चियोस, व्हाट इज एलवेली. जब आप ये इन सबसे फैमिलियर हो जाएंगे ना तो आपको इजिली समझ आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा था रेस्पिरेटरी ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट हम करने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है बेस्ड ऑन दिस पार्ट रेस्पिरेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन. टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? जो कि जमीन पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. एक्वाटिक कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं. तो एक्वाटिक के लिए हमने बात की थी, लाइक फिश की हमने किया था कि फिश जो है वो कैसे सांस लेती है, तो वो गिल्स के थ्रू लेती है. तो वही हमें सब बताना है. सबसे पहले हमें ये बताना है कि एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल आर टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होती है. एक्वाटिक जो है वो मेनली पॉन्ड्स, लेक्स, इसमें सब रहते हैं, लेक्स वगैरह में. और जो भी एनिमल्स अदर होते हैं टेरेस्ट्रियल, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, डेजर्ट एरिया पे रहते हैं, सच एज ये हम जैसे अर्थ पे रहते हैं. है तो वो भी अर्थ पे बट वो पानी में रहते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं. तो एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो या तो स्किन के थ्रू या फिर गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस को. बट जो भी एनिमल्स हैं अदर एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो लंग्स और ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, जैसे हमने अभी रीड किया. एक्वाटिक एनिमल्स जो सर्वल अडेप्टेशन सच एज स्ट्रीमलाइन बॉडीज, उनकी बॉडी क्या होती है, उनके फूड्स डिफरेंट होती हैं. लाइक अब फिश की बात कर लो, उनके देखो अलग होती है कि वो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं. तो उनकी क्या होती है, इस टाइप की विंग टाइप स्ट्रक्चर होती है. बट हम लोगों के टेरेस्ट्रियल्स की क्या होती है, लेग्स होती हैं. तो बॉडी का भी डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है. तो आप ये सब लिख सकते हैं. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? हमें बता
बताना है, हमने अभी रेस्पिरेशन में किया कि रेस्पिरेशन का मीनिंग है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाना और उससे एनर्जी मिलना। तो जो रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज किस किस टाइप में, टू डिफरेंट टाइप में ब्रेक डाउन होता है। कैसे होता है, हमने किया था ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, टू टाइप का एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। मीन्स ग्लूकोज टू टाइप में ब्रेक डाउन होता है, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, एब्सेंस ऑफ हमें ये मिलता है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको 1 सेकंड में आप इसका आंसर नहीं लिख सकते। आप अगर न्यू है तो मेरी लास्ट वीडियो में देखो, आपको ये अच्छे से मिल जाएगा कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अभी हमने किया कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। So naturally respiration is a major and vital process of gas exchange. The transport of gases such as energy, oxygen and carbon dioxide carried out through the blood cells के थ्रू होती है। बट अगर ह्यूमन बींग्स में स्पेशल ऑर्गन पूछा जाए तो वो क्या आएगा, एलोवेली, क्योंकि हमने अभी किया कि एलोवेली से ही ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड से कहाँ जाती है, CO2 वापिस आती है लंग्स में। तो क्या होगा, ब्लड सेल्स जो है मेन हमारे ट्रांसपोर्ट का, हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कौन कर रहा है, ब्लड सेल्स कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आपको भी बताया कि जो ब्रोंचियोल्स के अंदर एलोवेली है, जो एयर सैक है वो इस टाइप से है कि वो उसका एरिया जो है, जैसे कि अब मैं अगर एक बड़ी चीज रख रही हूँ, कोई मैंने ये चीज रख दी, सपोज तो ये क्या आ रहा है, इतना बड़ा है तो मेरे हाथ में सिर्फ ये एक ही आ रहा है। पर अगर बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी इस टाइप की बॉल्स रख दें हम, तो ऐसी बॉल्स तो मैं 1000 भी अपने हाथ में ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना एरिया ले रही हूँ तो 1000 भी आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बड़ा जो है वो 1 आ रहा है, बट अगर हम छोटे छोटे लेंगे तो क्या हो जाएगी, छोटी छोटी बॉल्स लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो लंग्स में क्या है, ए पेयर ऑफ लंग्स आर डिजाइन इन सच ए वे दैट देयर आर लाइंड ए थिन मेम्ब्रेन द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल, ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एलोवेली एंड ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। की स्ट्रक्चर बता दी कि लंग्स की जो स्ट्रक्चर है एलोवेली है, जो ब्रोंचियोल जो है बिल्कुल थिन थिन है, ताकि वो पतली पतली है तो वो क्या, उसके नंबर ऑफ ब्रोंचियोल जो है वो मैक्सिमम आ सके। तो ये हमारे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो कि मैं आपको जैसे ही एनसीईआरटी में से जो टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं आपको वो आंसर्स करवा रही हूँ साथ। वैसे इसके आंसर्स आपको कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं उसी पे ही बेस्ड आता है। बट मेरा जो एम है बताने का वो यही है कि इसके लिए आप क्या आंसर और कितना आंसर लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा ये हो चुका है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा जो है नेक्स्ट अपनी वीडियो में इसमें दोबारा से रिवीजन करेंगे कि क्या डायाफ्राम होता है या फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। तो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स का शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।